Welcome to Time News Studios. You are watching 3 p.m. Bulletin. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. मगर अब तक हुकूमत का अपना जहन क्लियर नहीं और इस तरह की अपोजिशन की तरफ से तरामीम लाकर हुकूमत को रास्ता देना, मैं समझता हूं कि ये हमारी अपोजिशन की बहुत बड़ी कमजोरी है और मैं दोनों बड़ी पार्टियों से आज गिला कर रहा हूं कि आपने हमेशा इन लोगों का साथ दिया है, आपने कभी अपोजिशन को यकजा करने की कोशिश नहीं की है। लिहाजा मैं आज ये वाज़ह करना चाहता हूं कि हमारा आज के बाद इस अपोजिशन के साथ इस तरह इस फ्लोर पर आकर हम साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस जवाबदारन जा असासा मुंजमिंद कया वेंदा, जवाबदारन या जिम्मेवार इदारन जो मिल्कियतूं भी जब्त करे सकबियूं। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस माण्हुनि तोड़े तंजीमुनि जे उहिदेदारन ते सफरी पाबंदियूं लॻाए बियूं ऐं सनन हथियारनि जा लाइसेंस बि रद्द कया वेंदा। क़ौमी असेंबली खां पोइ सेनेट में बि क़ौमी सलामती एक्ट में तरमीम वारो बिल मंज़ूरु, दहशतगर्दी एक्ट में बि तरमीम वारो बिल मंज़ूरु कयो वियो। JUIFA ॿिन्ही बिल्स जी मुखालफ़त करे छॾी। सेनेटर मौलाना अतर रहमान जो चवणु आहे त ऑपोज़िशन जूं तरमीमूं हुकूमत खे रस्तो ॾियणु बराबरि आहे। पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग सां शिकायत आहे त ॿिन्ही वॾनि जमायतुनि हुकूमत जी हिमायत कई आहे। छा JUIFA मुल्क दुश्मन जमायत आहे जो असांजो मौक़िफ़ नथो ॿुधो वञे? दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ऐं क़ौमी सलामती एक्ट में तरमीमुनि जी मंज़ूरीअ मां साबित थियो त सेनेट हिकु मेचोर ऐवान आहे। कुलभूषण यादव खे सज़ा में न रियायत ॾिनी आहे ऐं नई खेसि राति पेट में फ़रार करण जो इरादो आहे। परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी जो चवणु आहे त पाकिस्तान खे भारत FATF जी ब्लैक लिस्ट में शामिलु कराइण जी कोशिश करे रहियो आहे। ऑपोज़िशन पाकिस्तान खे वाइट लिस्ट में शामिलु कराइण वारनि कोशिशुनि में पंहिंजो किरदारु अदा कयो। सेनेट जे इजलास में ख़िताब दौरान परॾेही वज़ीर चयो त JUIFA बिल जी मुखालफ़त करे इहो तासुरु ॾिनो आहे त असां बिल्स ते इतफ़ाक़ी राय नथा रखूं। JUIFA वारनि खे गुज़ारिश आहे त पंहिंजी दिलि वॾी कनि। पाकिस्तान समूरा मरहला तइ करे वरिता, हाणे मंज़ूरु थियल बिल्स एशिया पैसिफिक ग्रुप आॾो पेश कया वेंदा। चार लोग थे, उनके चेहरे पर बड़ी परेशानी सी थी। उन्होंने कहा जी हम क्या करें जी, प्राइम मिनिस्टर हमारा नहीं मान रहे। मैंने कहा पहली बात ये है, हम तरामीम नहीं मान रहे। अगर आप समझते हैं कि नैब का कानून यही रहना चाहिए तो जरूर रखें। उन्होंने कहा नहीं, हम समझते हैं कि इस नैब के साथ मुल्क नहीं चल सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं मानते, वो कहते हैं कि जी मैंने इंतसाब करना है। हमने कहा जी इंतसाब तो यहाँ भी मुमकिन है, तो ठीक है फिर सब घर चलते। हमने तो नहीं कहा था कि नैब का बिल लेकर आए, आप लेकर आए थे। आप नहीं मानते तो बस खुदा हाफिज, फिर आपको नैब मुबारक हो। तरामीम हुकूमत ने कबूल की और तरामीम बिल को इफेक्टिव बनाने के लिए थी। दोनों बिल तरमीम के बगैर कल जल्दी में पास करा दी। झगड़े की जड़ नैब कवानीन नहीं है, वो फाटफ के कवानीन में जो इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। नोटिफाइड कमेटी ने जो अमेंडमेंट किए थे उन दो बिल्स में, उन दो कवानीन में नहीं थी। NRO कौन मान, कोई नहीं। ये रखें अपना नैब अपने पास। PTI सरकार FATF जे बिल्स जी मंज़ूरी में धोखो कयो आहे। झेड़े जो सबबु नैप कानून न पर इहो धोखो आहे। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ऐं PP सेनेटर शहरी रहमान जो चवणु आहे त क़ौमी असेंबली में FATF जा बिल्स ऑपोज़िशन जे मंज़ूरु कयल तजवीज़ुनि खां सवाइ मंज़ूरु कया विया। असां हैरान ऐं परेशान थी वियासीं त हुकूमत कमेटी आॾो मंज़ूरु थियल तरमीमूं केॾांहुं वियूं।
सेनेट में तरमीमन सां बई बिल्स मंजूर कराया व्या हन हाने बीहर कौमी असेंबली में पेश कया वेंदा। इस्लामाबाद में मीडिया से गलाइंदे ऑपोजिशन अगवाणन जो चवण हो तो स्पीकर की रिहाइशगाह ते थियल गैर रस्मी मुलाकात के जाहिर न करणो हो। हुकूमती वजीरन ऐवान ए पार्लियामेंट में कूड़ गालायो आहे। असां वाज़े कयो हो तो नैब ए एफ ए टी एफ के कानून में तरमीमी बिल्स वारा मामला अलग अलग आहिनि। اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك। हज जो अहम रुकन वकूफ़े अराफात अज अदा किया पे वे पांधेड़ा मिना में फजर की नमाज अदा करण का पोए अराफात के मैदान में मौजूद मस्जिद निमरा के सैनिटाइज किया वो। नमाजन में समाजी विथी रखण लाए निशान भी लगाया व्या। मस्जिद निमरा का खुतबो ींदे मुफ्ती शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान जो चवण है अजकल केतरा ही मानू अल्लाह ताला जी बंदगी का गाफिल नजर अची रहा है। जेको कुछ जमीन ए आसमान ते आहे वो रब पाक जो ही आहे। असां के अल्लाह साईं जी नेमतुन ते शुक्र अदा करण घुर्जे। अल्लाह पाक जे हुकुमन ते अमल करण के तकवा चयो वेंदो आहे। तकवा इंसान के बुराई खां बचाए थो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की सजा बाबत आलमी इंसाफ वाली अदालत के फैसले ते अमल दरामद लाए दरख्वास्त बुधनी लाए मुकरर कर छड़ी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में जोड़ल बेंच 3 अगस्त से कानूनी नुमाइंदो मुकरर करण लाए वफाकी हुकूमत तरफा दाखिल दरख्वास्त से बुधनी कंदी। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया वो है तो कुलभूषण यादव सजा खिलाफ दरख्वास्त दाखिल करण का इनकार कर छो है। कुलभूषण भारत के सहकार का सिवाय पाकिस्तान में वकील मुकरर नथो करे सके। भारतीय हुकूमत भी ऑर्डिनेंस तहत सहूलत वठण का लवाए रही है। अदालत कुलभूषण यादव लाए कानूनी नुमाइंदो मुकरर कर। अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी ठठो वाटर सप्लाई स्कीम में मुबैना करप्शन वाले रेफरेंस में जवाबदार नामजद थियण खिलाफ अदालत से राबतो करे वरतो। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दाखिल। अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया है ठठो वाटर सप्लाई स्कीम ए हरेश कंपनी के ठीका दियण वाले मामले से मुझो को भी वास्तो ना है। इन हवाले से नैब जो जिमनी रेफरेंस खारिज किया वे। अदालत नैब के नोटिस जारी कदे 4 अगस्त से जवाब तलब कर वरतो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नैब के कम की साराह कंदे नैब कानून में तरमीम की मुखालफत कर छड़ी। पदराई में चो है नैब एफआईए समेत करप्शन खिलाफ कम कदड़ समूरन इदारन का बेहतर कम किया है। गुजरल 34 महीनन में करप्शन खिलाफ कार्रवाई करे 466 अरब रुपया कौमी खजाने में वापस जमा कराया व्या। पाकिस्तान करप्शन रोकण लाए 9 अगस्त 2007 में गडल कौमन के चार्टर से सही कर चुको है। नैब कानून में तरमीम का अगु आलमी मुहिदन के नज़र में रखण घुर्ज। नैब जो इदारो कें पो हले 2 साल गुजरण बावजूद जांच मुकम्मल ना थी या का मामूली गाल ना है तो नैब बारा एतरो अरसो मानुन के गीलिंदा रहन। सिंध हाई कोर्ट तरफा केएसबी बैंक में फंड्स की गैर कानूनी मुंतकली वाले स्कैंडल में जांच मुकम्मल न थियण ते नैब मथा कावड़ जो इजहार। जस्टिस खादिम हुसैन शेख रिमार्क्स डींदे है नैब की जांच मेरिट तहत थियण घुर्जे पोए नतीजो कड़ो भी अचे। बुधणी दौरान नैब प्रोसिक्यूटर चयो त सूबाई वजीर नासिर शाह सूदो बेन जवाबदारन तरफा इंक्वायरी खत्म करण ए जमानत दरख्वास्त दाखिल कई वही है। जवाबदारन खिलाफ 1 महीने में जांच मुकम्मल कई वेंदी। जवाबदारन बैंक में करोड़े रुपया गैर कानूनी तौर मुंतकिल कया हुआ। हथियारबंद फौजन की वर्दी असा लाए इज्जत एहतराम लायक है पर वर्दी की लड़े रखण हथियारबंद फौजन जो ही कम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरफा रावल ढंड के किनारे ते नेवी जो क्लब तामीर थियण बाबत जवाब जमा न थियण ते कावड़ जो इजहार। चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनुल्लाह डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुखातिब थींदे चयो त तवां खे जवाब दियण लाए चयो हो तो बुधायो वने तो नेवी क्लब केड़े कानून तहत तामीर कर सकजे तो। एक इमारत तो ठही वही हाने सी डी ए छा कंदी
डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो अदालत के बुधायण हो तो हुकूमत इन मामले में अटॉर्नी जनरल का राय तलब कई है जैसे चीफ जस्टिस चयो तो कें गरीब की झोंपड़ी ढहण लाए भी अटॉर्नी जनरल का राय वरती वेंदी है। अदालत रावल ढंड के किनारे ते क्लब की अदावत से पाक नेवी के सरबराह का भी 7 अगस्त से जवाब तलब कर वरतो। अगूणे सूबाई वजीर ए पीपी अगवाण मंजूर वसाण खिलाफ आमदनी का वधिक असासन की इंक्वायरी मुकम्मल। नैब प्रोसिक्यूटर सिंध हाई कोर्ट के आगाही नींदे चयो है त मंजूर वसाण खिलाफ इंक्वायरी जा तफसील इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स डां उमाणिया विया आहिन। जांच की हतमी मंजूरी नैब चेयरमैन नींदो। अदालत मंजूर वसाण की उबूरी जमानत में 3 सेप्टेंबर तई वाद कंदे नैब का जांच रिपोर्ट तलब करे वरती। नैब प्रोसिक्यूटर जो चवण है तो मंजूर वसाण के बैंक अकाउंट्स ए मिल्कियतुन जा तफसील हथ किया व्या आहिन। ईंदड़ बुधनी ते अदालत में रिपोर्ट पेश कई वेंदी। थरी मीरवा में शागिर्दन सा बदफेली वाले केस में गिरफ्तार जवाबदार सारंग शर एक बे केस में दहशतगर्दी टोड़ अदालत आदो पेश। पुलिस नींगर सा बदफेली वाले केस में रिमांड पूरो थियण ते जवाबदार सारंग शर के खैरपुर की दहशतगर्दी टोड़ अदालत आदो पेश कयो। अदालत पुलिस के 14 ॾींहनि वारी इस्तदा रद्द कंदे जवाबदार के वधिक 9 ॾींहनि के जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले कर छड्यो। हैदराबाद के कासमाबाद वाले इलाके में एजुकेशन वर्क से सब इंजीनियर के घर में चौकीदार जो लाश हथ चौकीदार रुस्तम सोलंगी जो लाश पानी के टैंकी में मिलो। पुलिस को चवण है तो जानायल बंगलो शहजाद मेमण नाले शख्स जो है जो एजुकेशन वर्क खाते में सब इंजीनियर है। सिंध में कोरोना वायरस जहा हानिया घटी न सकिया। शिकारपुर में 93 शहरों के कोरोना वायरस की तस्दीक। दादू ए मटियारी में 6 नवा केस जाहिर। बदीन में 20 जणा वायरस जो शिकार थी वया। सखर में 22 जणन की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव अची वही। सेवण शरीफ में कलंदर लाल शहबाज की दरगाह 5 महीनों का बंद होजन खिलाफ दुकानदारन जो 23 ॾींह भी एहतजाज। मुजाहरीन जो चवण है तो दरगाह बंद थियण सबब दुकानदार तोड़े पोहे तो बेरोजगार थी विया हैं। 5 महीनों का रोजगार न थियण सबब हु बुखू काटण से मजबूर हैं। पंजाब जिया सिंध में भी SOPs तहत दरगाहों खोलण जो मुतालबो।